इमाम भाई, आप इस्लाम ना पढ़े होते तो आईएएस होते। सही, सीरियसली, जितनी किताबें मैंने इस मजहब में बर्बाद करी, मैं आईएएस होता। हमारे साथ वापस महदी उल इस्लाम 1829 हेलो में। जी, क्या हाल है इमाम इमाम भाई जी प्यारे भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी? शुक्र, खैरियत से। बस आपकी बड़ी अच्छी और बड़ा अपील रखते हैं सर, बहुत वेरी गुड और अच्छी वीडियो से आपकी काफी मालूमात हमें मिलती है, इल्म मिलता है। जी थैंक यू सर। आप एक्स मुस्लिम हैं आप भी? जी, एक्स मुस्लिम तो बड़ा अरसा हो गया सर, अभी तो कोई 20-21 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में। चले सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब आप तो हमसे भी पुराने हैं, हमें तो फिर भी 8-9 साल हुए हैं, आप तो मतलब हमसे भी पहले छोड़ चुके हैं। सर आप इधर हिंदुस्तान से ही? जी सर। अच्छा जी, इधर सर वैसे प्लीज आपसे मेरा क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आई कि ये बात सही है या नहीं। इधर मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था कि उसमें ये बात आती है कि इस्लाम जो मजहब है ना, एक बहुत ही सख्त किस्म का मजहब है। सही बात है सर, मुस्लिम बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे। मेरा एक दोस्त है, वो असल में पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, उसको मैंने आपकी वीडियो भेजी, तमाम हमारे जितने भी एक्स मुस्लिम भाई हैं उनकी भेजी, तो वो कहता है ये इमाम भाई है और इतने सारे एक्स मुस्लिम हैं, इनका राइट है ये बोले, यानी कि इनका हक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और वो यानी एक सर आप पता नहीं जानते, पाकिस्तान में एक मौलवी हुआ करता था, अब क्या नाम था उसका, जो मैं एक एक्स मुस्लिम की उस दिन वीडियो देख रहा था, खादम रिजवी के नाम से उस मौलवी का नाम था, तो बड़ा ही हार्ड लाइनर किस्म का मौलवी था सर वो, तो उसने ब्लास्फेमी लॉ भी चेंज करने की भरपूर कोशिश की थी कि ये ब्लास्फेमी लॉ टिका रहा है, ये हटाने वाले थे वो पाकिस्तानी बता रहा था जो मेरा दोस्त है। तो बहुत ज्यादा मुस्लिम सर इवॉल्व कर रहे हैं, और आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि और लोग एक्स मुस्लिम बनेंगे। मैं तो खुद काफी पहले छोड़ा हुआ है और मेरे बहुत से दोस्त मुस्लिम है और बड़े अच्छे है वो, मुस्लिम भी है तो अच्छा टॉलरेंट है, और मुस्लिम बेहतर होते जा रहे। कुछ स्कॉलर आपने देखे होंगे, ये क्या नाम है अपना सर, मौलाना वहीउद्दीन खान, इंजीनियर अली मिर्ज़ा और गांधी साहब, तो ये अपने मुस्लिम भाइयों से शिद्दत पसंदी ख़त्म कर रहे हैं, और शिद्दत पसंदी जब ख़त्म होती है तो इस्लाम खुद ब खुद ख़त्म होने लग जाता है इंसान के उससे अंदर से। जी बिल्कुल ठीक सर। बात करी आपने, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने अभी सबसे पहली बात करी ब्लास्फेमी, आपको मालूम है ब्लास्फेमी के अंतर्गत क्या आता है? सोच करिए, आप और मैं एक पाकिस्तान के एक सभ्य नागरिक हैं, जी आपने अपने घर के बाहर झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद मेरे घर के बाहर आपने कूड़ा कर दिया। आप मेरे से तगड़े हो, मैं कमजोर हूँ, मैंने आपको कहा आपने मेरे घर के बाहर कूड़ा क्यों कर दिया, आपने मेरे को थप्पड़ मार दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा आपका, मैं अपना चुपचाप घर आऊंगा, अगले दिन रात को 2-3 वर्के कुरान के पढ़ूंगा, जलाऊंगा हल्के से, आपके गेट के बाहर रख दूंगा, 2-3 वर्के और जला सर के जी, इमाम आपके भाई, ए इमाम भाई, ये मेरा एक दोस्त है साला हराम का पिल्ला, तो वो कहता है कि मुसलमान तो कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया में सारे काफिर है, गुनाह कर रहे। मैंने कहा अगर नहीं है ये लोग मुसलमान हिंदुस्तान में और नहीं है, तो तुम जाओ पब्लिक में और अपना वो जलाओ, कुरान जलाओ, अगर नहीं है ना कुरान जलाओ, फिर देखना कैसे सारे टूट पड़ते हैं तुम पे। बिल्कुल 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 यही चीजें आती हैं इनके मुल्ले मौलवी जो आपस में, आपने जो दूसरी बात करी ये बिल्कुल आपने सही बात करी कि अब ये आपस में लड़ लुड़ रहे हैं, क्यों? इनको चाहिए पैसा। ये कहते हैं ना कि एक्स मुस्लिम पैसों के लिए लड़ रहे हैं, इनके मुल्ले मौलवी जितना लड़ रहे हैं ना उनसे ज्यादा सर जी दुनिया में कोई सॉरी नहीं लड़ रहा। टू आपको कट करने के लिए सॉरी, असल में मेरा कोई नहीं, कोई खुद एक मौलवियों से डिबेट हुई है, और मैं एक मौलवी का ना मतलब उसके चैनल पे गया, तो उसके चैनल पे ना कॉन्डम का ऐड आ गया, कॉन्डम का, और ये आप लोगों को मना करते हैं कि तुम लोग चंदा ले रहे हो, सुपर चैट लगाई हुई, खुद इनके कॉन्डम के ऐड आ रहे होते, शर्म उस बात पे इनको आती नहीं है, इनकी मुनाफ्त देखे जरा आप। भाई पूरे मुनाफिक है यार, पूरे मुनाफिक है, झूठ
झूठ बोलना मुनाफिकत है। आप भी वैसे इधर हिंदुस्तान से ही, इंडिया से हमारे। हाँ जी, अच्छा, वेरी गुड सर, प्राउड ऑफ यू। इससे छोड़ा है ये गंदा मजहब, हिंद की धरती छोड़े हुए काफी लंबा अरसा हो गया है जी। अब फिर तो ठीक है, लेकिन इधर बस क्या करे सर, शिद्दत पसंदी इतनी है। मैं तो खुद आपको बताऊं, मेरी खुद पिटाई हुई हुई है। मुस्लिम ने मुझे इतना मारा था, कोई हो गए होंगे 16-17 साल। ये अब तब उसी कल्ट का शिकार है। हम पहले लोगों को वैसे प्रेश करते थे तो उसमें हमारी कुटाई हुई थी, तो हमारे को अपने वतन को छोड़ना पड़ा था। तो आज जो है हम बाहर बैठ के काम तो करते ही है, वो हम 2-3 थप्पड़ों से बाहर जाने वाले लोग तो है नहीं ना। जी सर, आप अपना काम रखिए। और सर मैं आपको बताने आया हूँ कि बहुत पहले की बात है, रमजान थे मेरे ख्याल में, बहुत पहले 17-18 साल पहले, जब मैं थोड़ा ठीक यंग बच्चा सा था, अपनी यूथ में ही था। तो जाहिर बात है बंदा सर, आपको पता है कि मेहनत करता है, पढ़ाई होती है, 1000 काम होते, तो रोजे कितनी फजूल चीज़ है, बंदे को इतना थका देते हैं और सर में दर्द हो जाती है। सही बात है, रखने से मुझे खुद पता है। तो मैं रोज़ा नहीं रखता था, जाहिर बात है मुर्तद था, एक एथीस्ट था। तो मैं उधर ना, वो मेरा एक दोस्त ने मुझे खुद ही बुलाया कि मेरे पास आओ, चलो गपशप हम लगाते हैं, हम आराम से बैठते हैं। तो मैं उसके पास चलो गया, बैठने गया, मिलने गया। तो मैं उधर अपने सिगरेट जला के पीने लगा, पानी पीने लगा, मैं एक डबल रोटी का टुकड़ा था वो उठा के खाने लगा। तो वो उसका तो मुंह बन गया, मार धाड़ उसने शुरू कर दी। और मुल्ले खुद इधर मैं हूँ अब इधर से ही, तो वो एक मौलवी था, उसको पता था मैं एथीस्ट हूँ, पता नहीं किसने उसको बताया था। तो वो मेरे पीछे लगा देता था लड़कों को, और बस ब्रेन वॉश हुए वे सर, क्या करे। हेलो सर, आप इधर ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं अब ये मौका इमाम साहब को दूंगा कि वो बात करेंगे आपसे। आज के जितने भी मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, जावेद अहमद गामिदी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, या मौलाना वहीदीन खान, जिनकी गुड वर्ड्स पब्लिकेशन की डेथ हो गई, तो बहुत चेंज इन्होंने लाने की कोशिश करी। सबसे ज़्यादा तो आज के टाइम पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की फॉलोअर हैं। और जो जावेद अहमद गामिदी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक इंजीनियर साहब के, मैं वैसे अभी इंडिया में भी नहीं हूँ आजकल, लेकिन मेरा एक इंजीनियर साहब के शागिर्द सर, उनके स्टूडेंट है, तो उनसे डिबेट मेरा हुआ। और सर आप यकीन करें, माजरत ये बात कहने के लिए, लेकिन जाहिर बात है मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो मेरे कुछ सख्त किस्म के लफ्ज़ निकल आते हज़रत मोहम्मद और ऐसे उनके लिए, तो मुझे पता नहीं चलता असल में, गुस्से गुस्से में कभी निकल आते। तो वो बंदा ना मुझसे डिबेट किया, इंजीनियर अली भाई के उसने स्टूडेंट ने, वो बहुत ही, यानी वो उसकी वीडियो में भी आया हुआ है। तो उससे मैंने डिबेट किया, और मैंने कोई मतलब हज़रत मोहम्मद के लिए ना शायस्ता सी एक बात निकल गई। तो वो जो बंदा था ना, वो मैं उसका मतलब रवैया देखा था, वो अच्छा सा बेचारा उसने बर्दाश्त की। लेकिन मुझे अपने खुद के दिन याद आ गए, जब मैं अपनी यूथ में था, जब इस्लाम मैंने नहीं छोड़ा था, तो मैं एक इतना रेडिकल मुस्लिम होता था कि कुछ भी नहीं, बस ना गाने ना कुछ, बस जिक्र करते रहना, जिक्र वो तस्बीह वो करते रहना। और फिर मैं खुद इतना कट्टर मतलब इस किस्म का था, शिद्दत पसंद कह सकते। और एक वक्त आया कि मैं खुद शिद्दत पसंदी से तंग आ गया। जी सर। हाँ जी, मैं आपको माजरत के साथ रोकना चाहता हूँ। हमारी जो लड़ाई है ना, बहुत भयंकर है। आपको अंधेरे में लड़ना है। लड़ाई का एक नियम है, आप अपने आप को जितना काला करके लड़ोगे ना, आप उतना लंबा खेलोगे। आप पब्लिकली डिबेट किसी से मत करो। आपको ये पैनल और चैनल आपको मिलता है, आप इस पैनल पे आइए, इस चैनल पे आइए, आप दिल खोल के अपनी बात करें, दिल खोल के क्या कहते हैं मोमिनों को इस्लाम छुड़वाइए, आप पूरी दुनिया को सच्चाई से रूबरू करवाइए। लेकिन आप पब्लिकली अगर डिबेट करेंगे ना, तो आपकी जान पे खतरा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या अभी बहुत कम है। जब तक हम तलाश में नहीं होंगे ना, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। एंड सर, आई सैल्यूट योर पेशेंस, काश मैं भी ऐसा पेशेंस होता। हां जी, मैं वही कह रहा हूं भाई। हां जी, मैं आपको वही बता रहा हूं
कि अगर आप कभी अंधेरे में लड़ते हैं ना तो आपके दुश्मन इतने हैं चारों तरफ, आपको गिनने मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ लड़ाई का एक नियम दे रहा हूँ कि आप आइए प्लेटफॉर्म पे लड़िए, और क्योंकि हमारा जिंदा रहना ना और लोगों के जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये मुहिम जिंदा रहेगी। और सर मैं आपको बताना चाहता था, अपोस्टेट इमाम भाई, मैं कुछ रोज पहले इधर अपना लखनऊ आगरा गया था, आगरा, तो उधर मेरा एक इस्लामिक मुफ्ती है, एक जलेबियाँ बनाता रहता है, जाहिल आदमी है एकदम, उससे मेरी ना डिबेट हो गई है। हजरत मोहम्मद का जो था अपनी जैनब थी और दूसरी बात पे, तो सर वो जलेबियाँ बना के घुमा फिरा के मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा क्या जाहिल आदमी है ये, कुछ बात ही नहीं समझ आ रही। और उसके जितने उसके ऑडियंस मतलब बैठे हुए थे लोग, उसके चेले, तो वो खुद भी उसी की तरह जाहिल थे। वो तालियां बजाने लग गए कि मुफ्ती साहब ने मुर्तद को धूल चढ़ा दी, मुर्तद हार गया मुनाजरे में, और ऐसे वो कहने लगे। तो बड़ा मैंने कहा कि ये जलेबियां मड़ी बनाते। और सर आप एक बात नोटिस करिएगा अभी इस स्ट्रीम के बाद, के जितना भी जैसे फर्ज करें आपका किसी मुसलमान के साथ डिबेट होता है या किसी बड़े आदमी के साथ डिबेट होता है, तो आप का वो जो नहीं होंगे वो सारे अपने बॉट छोड़ देगा कमेंट्स में, वो कहेगा कि ये मुफ्ती जीत गया, मौलाना जीत गया। सर वैसे आप लोग एथियस्ट है, ये मैं पूछना चाहता था। हाँ जी सर, सब एथियस्ट हैं। हाँ जी, और जी आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कुछ थोड़ा सा। आपने इधर की बात बताई, उधर की बताई, ये तो चलते रहती है हमारे सब मुआशरे में, लेकिन आप अपनी जर्नी बताइए कि आपने इस्लाम कैसे छोड़ा, ये हमारे ऑडियंस को, और आप अपने बारे में बताना चाहें, अपनी आईडी ना बताएं, अपने बारे में ना बताएं। कोई मसला नहीं है, मैं सेफ नहीं, 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 मसला है। नहीं, फिर भी, और मैं फिर जगह भी, को अपना घर कह सकता हूं। नहीं नहीं हम, मुझे मसला है तो आप अपनी जर्नी बताइए बस। ठीक है मेरे भाई। सर मेरा असल में ना यूपी से ताल्लुक था, और अभी भी यूपी में जाता रहता हूँ। तो सर उधर मैं बहुत ही, आपको बताऊँ, मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से था, और मेरी जो असल में मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे पेरेंट्स की डेथ तभी हो गई थी जब मैं 1.5 साल का था बचपन में, तो मेरी नानी माँ ने पाला, और वो बहुत ही एक रेडिकल मुस्लिम खातून थी। उन्होंने यानी उन्होंने कहा कि तुम जो दुनिया में करना चाहो करो, लेकिन ये इस्लाम मज़हब की तुमने ना इसको ले के पकड़ना है, अल्लाह की रस्सी पकड़नी है, ये करना है, वो करना है। और सर मैं वो असल में ना मेरी आदत थी कि मैं बड़ा सर बचपन से रैशनल था, जब मैं बहुत छोटा था ना तब से रैशनल था, तो उसका ये अपनी जो मैं हर चीज़ पे सोचता रहता था। और सर ये मैं पहले एक मिक्सचर सा था, जो मैं मेरी नानी माँ असल में एक शिया मुस्लिम थी, और जो मेरे फादर वाली साइड थी वो अहमदी थे, कादियानी मुस्लिम थी, वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के जो पैरोकार होते वो थे, और वो उसको मानते थे। लेकिन मैं नानी को मजबूता हम कौन सा फ़िरका है, तो वो कहती कि तुम हम मुसलमान हैं, बस हम मुसलमान हैं, कोई फ़िरका नहीं है। हज़रत मोहम्मद फजूल अल्लाह के वक्त में कोई फ़िरका नहीं होता था, सब इस्लाम को मानते थे, और ऐसे फ़िरकात कुछ नहीं होते थे, हम मुस्लिम हैं। हज़रत मोहम्मद क्या थे, शिया थे, सुन्नी थे, वहाबी थे, दियोबंदी थे, बरेलवी थे, क्या थे, कुछ नहीं थे। तो हम भी बस उनके पैरोकार हैं, एक अल्लाह है और रसूल है, नबी, इन पे ईमान है हमारा, बस हम एक मुसलमान जो हमें बताए गए हदीसों पर अमल करेंगे, कुरान पे अमल करेंगे, बस ऐसी करेंगे। तो सर असल में मैं दुआएं बड़ी मांगता था, और ऐसी वेग दुआएं नहीं मांगता था जैसे एक्स ये मुस्लिम्स मांगते। मुस्लिम देखे मांगते हैं कि या अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत कर, या अल्लाह जब मैं इंटर कोर्स करूँ मेरे ना छोटे हथियार से मेरी बीवी के अंदर शैतान ना घुस जाए, या अल्लाह बस सबको सेहत दे। उनको पता है कि फ़र्ज करे मैं हूँ, मेरी टांग कट जाए, हाथ कट जाए, अगर मेरे लिए वो दुआ करेगी या किसी और की टांग हाथ कट जाए, तो वो उसकी टांग हाथ दुआएं करने से वापस नहीं आएगा। और मैं बिल्कुल वेद दुआएं, ये लोग ऐसी दुआएं नहीं करते सर। देखे
फर्ज करे ऐसी दुआएं नहीं करते ये कि अल्लाह मुझे इतने करोड़, मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे, मुझे बड़ा सा घर दे दे, ये दे दे। इनको पता है अल्लाह नहीं करेगा कबूल। और लोग कहते हैं दुआ के साथ बंदे ने काम भी करना होता है, तो मेरा उन मोमिनीन से सवाल है जब दुआ के साथ काम भी करना होता है तो दुआ का क्या फ़ायदा? और सर मैं ये दुआएँ मैं करता कबूल ही नहीं होती, कबूल ही नहीं होती। वैसे मैं थोड़ा दियोबंदी टाइप की फैमिली से था, मैंने बताया नानी मैं बस शिया थी, शिया बैकग्राउंड था, लेकिन उनसे पूछता था कि क्या है आप, वो कहती मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी नहीं मुस्लिम है, मुस्लिम। तो दियोबंदी टाइप के हम थे, मज़ार पे नहीं जाते थे, दरगाहों पे नहीं जाते थे। इधर मेरे घर के पास भी एक बिल्कुल ही सर करीब में ही मज़ार वो दरगाह थी, तो मैं कभी नहीं जाता। मेरी नानी माँ ने मुझे मना किया था कि उधर जाना भी नहीं है, उधर चुड़ैल तुम्हें पकड़ लेगी, जिन पकड़ लेगी। तो मेरी दुआएं नहीं कबूल हुई, हुई नहीं। इतना मैंने सबर किया 2002 में, जब मेरी कोई थी 15 साल उम्र होगी तकरीबन, इतनी ही होगी। तो मैं तब सर दियोबंदी से बरेलवी बन गया। बरेलवी में बना तो सर मैं, आप यकीन करें, इतना दूर अजमेर शरीफ, इतना मेरे से यूपी से दूर है, बहुत में मैं 15 साल के इतने घंटे 7-8 घंटे तो ज्यादा ही लगे होंगे, मैं खास चादर चढ़ाने के लिए गया। और चादर मैंने ना सबसे बड़ी वाली महंगी वाली चढ़ाई, सर अर्ली 2000 से उस वक्त वो चादर तकरीबन थी कोई 25 रुपए की मेरे ख्याल में, या 20 रुपए ऐसी थी। तो वो बड़ी शानदार बहुत बड़ी चादर थी, वो मैंने चढ़ाई और मैंने दुआ की ये दे देना बाबे, ये दे देना या अल्लाह, इसके आज ख्वाजा के वास्ते मुझे ये देना वो देना। तो मैं उसका भी मांगा सर। फिर मैं शाह विलायत की दरगाह पे गया, उधर भी मैंने मांगा और उधर भी चादर चढ़ाई, बिरयानी की देग चढ़ाई। और हाजी अली की दरगाह नहीं है उधर मुंबई में, मैं उधर भी गया, उधर भी मैंने यही किया। और मैं कह रहा था कि अल्लाह बेगैरत आदमी किधर छुप के बैठा हुआ है, दुआएं नहीं मेरी कबूल कर रहा, और किधर बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ, ये किधर मरा हुआ है अल्लाह। तो मैं बड़ा बड़ा परेशान था इस मुतालिक। और सर आपने देखा होगा ना, जब बंदा इस्लाम छोड़ने से पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके साथ भी मेरे ख्याल में चीज़ हुई होगी कि बंदा फौरन इस्लाम नहीं छोड़ता, पहले फिरका बदलता है फिर इस्लाम छोड़ता है ना सर, ऐसे आपने नोटिस किया? बिल्कुल 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 100%। मेरे साथ भी यही सफर रहा, मैं पहले रमजान के फिरके में गए थे सर। मैं पहले शिया था, शिया इश्नाश्रिया उसूली था, फिर शिया इश्नाश्रिया फरूही बन गया। फिर उसके बाद तहकीक करते करते मैं देवबंदी फिरके की तरफ आ गया, फिर वहां से अहले हदीस की तरफ गया, फिर अहले हदीस जो है अहमदियत को भी पढ़ता सर, रहा। कितने फिरके आपने बदले यार, हिम्मत है आप इस... तो अहमदियत में भी मिर्जा गुलाम, मैंने मतलब देवबंदियों के भी लिटरेचर को पढ़ा, बरेलवियों को भी पढ़ता गया, मगर मुझे लगता था कि यार ये बरेलवी और शिया एक मुशरिक। और सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट यू नो सर कि ये ज्यादातर मुस्लिम्स जब हदीस पढ़ते हैं तो उसका कंटेंट बड़ा चाइल्ड मैरिज और बहू के साथ नंगा नाच नचना और इस किस्म की बातें आ जाती है, तो वो लोग फिर कुरानिस्ट बन जाते, कुरान पे अमल करते। और सर आप यकीन करें कि कुरान ये चीज थी, कुरान अंधा है हदीस के बिना। आगे सबसे यार मैं सिर्फ कुरान मानूंगा, बट कुरान कैसे मानूंगा, नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो, कितने टाइम की पढ़ो, कैसे पढ़ो, यही बात है ना, वही मैं कहने वाला था। आज करो कैसे करो, कहां जाके करना है। और सर इतना ये मतलब सर का दर्द है कि 1400 साल में कुछ चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही थी, कुछ भी नहीं समझ, सब गोल मटोल हुआ हुआ, जलेबियां बनी हुई और कुछ क्लियर ही नहीं है। खुदा का कलाम हो गई। रमजान में आपने सिगरेट पी, मैं आपको बताता हूँ कि रमजान के महीने को मैं इसलिए भी पसंद नहीं करता था, चले रेफरेंस से बात करता हूँ कि बीबीसी पे अगर आप खुद देखें तो मक्का सिटी काउंसिल जो है, बीबीसी ने ये 4 जुलाई 2014 में आर्टिकल पब्लिश करा था, तो उन्होंने कहा था रमजान के महीने में कितना ज्यादा खाना बर्बाद होता है कि 5000 टन खाना जो था सिर्फ शुरू के रमजान के पहले ही 3 दिन में बर्बाद हो गया था, 28000 जो भेड़ जो थे, या फिर अगर हम बात करें 8000 जो स्ट्रीट क्लीनर थे उनको मेहनत करना पड़ी, और तकरीबन जो खाना वेस्ट होता है रमजान के महीने में, ठीक है अगर उसकी बात करें तो किंग सऊद यूनिवर्सिटी ने बताया था कि इसकी कीमत जो थी, जो
खाना जो है जो बर्बाद हुआ है ठीक है, वो उसकी कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 33,20,000 डॉलर की थी, जो सिर्फ बर्बाद हुआ सर था बड़ा कि अफसोस हुआ कि कितने लोग भूखे, कितने लोग भूख से मरते और कितना ज्यादा खाना वेस्ट हुआ है, बहुत बड़ी और ये अमाउंट सिर्फ है ये। मक्का में, सिर्फ मक्का में एक शहर में, पूरी दुनिया में मुस्लिम्स जो हैं, इवन अरब न्यूज़ ने खुद एक आर्टिकल डाला था कि मासिव वेस्टेज अनएक्सेप्टेबल, कि इतना जो है तकरीबन इतना जो है 20 बिलियन सऊदी रियाल की जो है शॉपिंग होती है, उसमें पैसा बर्बाद होता है जैसे ही रमजान आने लगते हैं, और उसके बाद 45 वेस्टेज कंप्रेसर जो है वो मक्का सिटी के सिर्फ ग्रैंड मॉस्क जो है वहां लगाए गए, 8,000 जो है सर क्लीनर बहुत ज्यादा लगाए गए अफसोस ठीक हुआ है ये एक आर्टिकल महीने पढ़ के के। लिए। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि चले ये पढ़ ले पहले मैं ये। छोड़ो, मैं ताकि आपको बोलने का मौका दूं, तो कई है सारे आर्टिकल्स हैं, CNN का भी आर्टिकल्स है कि हॉस्पिटल फुल हो जाते हैं जब रमजान आता है, सबसे ज्यादा लोगों को डायबिटीज रमजान के महीने की वजह से हो जाती है क्योंकि शुगर लो हो जाती है, उनकी बॉडी का इंसुलिन इम्बेलेंस हो जाता है भूखे रहने की वजह से, और साइंस ये मानता है कि रमजान के रोजों का कोई फायदा नहीं है आपकी हेल्थ पे, क्योंकि आपको अगर फास्टिंग करना है तो आप हाइड्रेटेड और फास्टिंग सर करेंगे, आप ये बात खून। देखें, ये बात देखें कि हमारे जो मेरा इलाका था उधर छोटे छोटे बच्चों से मार के रोजा रखवाया जाता था, और ऐसे बच्चे पढ़ाई कैसे करें, उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, और वो मतलब वॉशरूम से पीते रहते पानी, ये क्या बात हुई असल में। यही और सर CNN का वो आर्टिकल ही उसी की बात कर रहा है कि ब्रेन डेवलप नहीं होता बच्चों का रोजे रखने की वजह से, यानी उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनके ब्रेन की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। अगर आप अपने बच्चों से रोजे रखवाते हो तो कभी वो कोई टॉपर नहीं बन सकते, कभी वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं निकल सकते, कभी कोई इनोवेशन नहीं कर सकते, वो डायबिटिक हो जाएंगे, बॉडी मैल न्यूट्रिशन की शिकार होगी। और जब आप सोचें आप पहले तो ओवर ईटिंग, रात भर जाग रहे हो आप, अपना स्लीपिंग अपने आपको स्लीप डिसऑर्डर का शिकार कर रहे हो, फिर आप इतना और खा रहे सर हो दिन भर भूख आपने नहीं लगी, बात ओवर मानी ईटिंग है कर रहे कि हो, वो ओवर ईटिंग करके रमजान, फिर करके सो गए। सर ये रोजों के दौरान यार मैं खुद रखता था, और मेरी सही बात है नानी माँ ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम रोजे रखो या ऐसा कुछ करो, लेकिन मैं रोजे रखता था। और मैं असल में ना इतना बंदा मरा मरा होता है, हिम्मत भी नहीं होती, इतनी प्यास लगती है, मैं बस 15 रोजे रख लेता था जैसे भी 30 में से। और सर इधर एक अहमदी ये जो किताब है, पता नहीं सर आपको पता है या नहीं, आप उधर सर नहीं, मिर्जा अहमदी की गुलाम, थ्योरी पढ़ी हुआ, ब्राहिन अहमदिया पढ़ी है, रूहानी खजाइन पढ़ी है, कश्ती नूह पढ़ी है मैंने, सर वो सुरमा उसमें एक चश्मारी आता है ना अभी। कि उसमें ये बात आती है ना भाई कि जो मिर्जा गुलाम कादियानी था उसने कहा कि जो भी शख्स जैसे उसको नबी नहीं मानता तो वो हरामी का बच्चा है, ये उसने लिखा हुआ था। तो ऐसे तो अल्लाह अल्लाह भी कुरान में कुत्ता गधा नजस और किस किस लानत है तुम पे, सूरह बकरा में किस किस किस्म की घटिया बकवास कर रहा होता है, हमें कादियानी वो इतने दावा झूठे होते करता हैं है ना, उसने हमें पैदा मैं किया। आपको उनके मिर्जा ताहिर अहमद की वीडियो दिखाता हूँ, ये लोग इतने बड़े अहमदी झूठे होते हैं कि ये मोहम्मद तो बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी, किसना किस्सा किसने घड़ा है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सबसे पहले रूहानी खजाइन में घड़ा, और अल हिलाल में फिर उनके जो मिर्जा नासिर अहमद थे उन्होंने इसे नकल करा, और सारे खलीफा इनके सुनाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि अहमदिया कितने झूठे होते हैं, इनके खलीफा जो हैं, जो जलसा सालाना था इनके चौथे खलीफा, उसमें तो उन्होंने ये झूठ बोल दिया था कि उसने ये झूठ बोल दिया था कि 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं, उन्होंने 4 करोड़ लोगों ने अहमदियत इस्लाम कबूल कर लिया 2001 में, उन्होंने अपने जलसे में झूठ बोला। मैं सुनाता हूँ वो क्लिप प्ले करके, ये सुने। चुनाचे अल्लाह ताला की फजल से इस आवाज़ पर सर ये लबैक पुराने कहा वाले हिंदुस्तान की जमातों ने, और इस साल खुदा ताला की फजल से सारी दुनिया की बैतों के मुकाबले पर से हिंदुस्तान में 4,05,36,000 से ज़्यादा। सर ये
4,35,36,000 से जायद, 4,25,36,000 से जायद नफूस को अहमदियत में दाखिल होने की तौफीक मिल चुकी है। इन अजीम शान फतूहात के नतीजे में सिर्फ जिस तरह मुखालफीन में सफ़े मातम बिछी हुई है, उससे वहाँ के अखबारों के सफ़े स्याह हैं। सर ये मेरे ख्याल में वो पुराने वाले मिर्जा मसरूर नहीं है, ये बड़ा झूठा आदमी है यार। इतने लोग तो आज तक दुनिया में इतने हिम्मत ही नहीं है जितने ये कह रहे हैं। सिर्फ इंडिया में 2001 में इतने लोगों ने बैत कर ली। इंडिया की बात कर रहे हैं ये, यानी 4 करोड़ लोग। 2001 के अंदर 4,25,36,000 लोगों ने बैत करी 2001 में। सर अभी तो अभी 2024 में बस 1 करोड़ अहमदी है दुनिया में। इसीलिए बता रहा हूँ मेरे पास अहमदियों की इतनी क्लिप रखी है। ऐसे झूठे हैं ये लोग, चना खा के खत बढ़ाना सिखाते हैं और अपने आप को सबसे साइंटिफिक कहते हैं। ये देखें इनके खलीफा पांचवे जो खलीफतुल मसीह अल खामिस हैं मिर्जा मसरूर अहमद, वो कह रहे हैं चना खा के हाइट बढ़ा लो। सवाल ये जमात अहमदिया का टोटकों के साथ कितना तल्लुक है, मतलब जो टोटके होते हैं, मतलब टोटके जो होते हैं, रवायतें चली जाती हैं, बस छोटे छोटे नुस्खे होते हैं घरों में हैं कि ये इस्तेमाल करो तो इससे बस चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मसलन एक टोटका बाज़ लोग देते हैं घरों वाले, बाज़ों बच्चों पे कामयाब भी होता है, मैं भी दे देता हूँ, कि चने की दाल जो है किसी का कद अगर किसी का छोटा है तो पहले दिन एक दाना भिगो के खाओ, फिर अगले दिन दो, फिर 4, 8, फिर 16, तो चाय की चमची के बराबर जब लेवल हो जाए तो उसको 40 दिन तक खाओ तो कद बढ़ जाता है। बाज़ लोगों के बढ़े ऐसे कद, इस किस्म के टोटके तो टोटके ठीक हैं। चना खिला के हाइट बढ़ा रहे हैं, चना खिला के हाइट बढ़ा रहे हैं कि पहले एक चना दो चना, फिर जब चम्मच के बराबर हो जाए तो खाते रहो, रोज और हाइट बढ़ जाएगी। रात में चना वैसे बड़ा ही जाहिल ये आदमी है, इसको मैंने सुना हुआ है 2 खलीफा बना हुआ और जरा भी इसको अकल नहीं है। और सर अहमदियों में जो खिलाफत है, सर अहमदियों में जो खिलाफत है वो हाईजैक कर लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के घर वालों ने। बस पहला खलीफा ही जो था वो उसके घर का नहीं था, जो खलीफा नूरुद्दीन था, बाकी जितने भी खलीफा बन रहे हैं पूरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के घर के लोग हैं। हालांकि मोहम्मद की हदीस है सही मुस्लिम में, खलीफा जब भी होगा कुरैश में से होगा। ढेरों हदीसें कुरैश के सिवा, अगर कहीं खलीफा बने कत्ल कर दो। मिर्जा कादियानी जो था इनके लिए क्या कारोबार छोड़ के गया, आराम से ये लोगों को चूतिया बना के आराम से पैसे कमा सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा अहमदिया होम्योपैथी से कमाते हैं, इसीलिए होम्योपैथी इनके ईमान का हिस्सा है। ये कहीं भी जाते हैं, मेरे फादर भी एक होम्योपैथी थे। तो अहमदिया जितना होम्योपैथी में मानते हैं उतना कोई नहीं मानता, और होम्योपैथी का कोई लेना देना नहीं है साइंस से दूर दूर तक, 0.1% भी। मीठी शगर की गोलियां हैं और अहमदियों ने ही उसे प्रमोट करा है, क्योंकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी होम्योपैथी में मानता था। बल्कि अहमदियों की वेबसाइट दिखाता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो शख्स होम्योपैथी में नहीं मानता काफिर है। हैं? होम्योपैथी ईमान का हिस्सा इन जाहिलों के। अजीब ही जाहिल है ये होम्योपैथी। रुक जा मुझे सर, मैंने इधर एक अहमदी मौलवी को ना चैलेंज किया था कि मेरे साथ आए मुनाजरा करे, लेकिन उसमें जरा भी हिम्मत नहीं है, जरा भी उसके कंचों में पानी नहीं है कि मेरे साथ आके वो मुनाजरा कर पाए। और ये बड़ी तगड़ी चीज बोली, कंचों में पानी नहीं है। सर वैसे बड़ा ही बुरा सलूक करते ये मुसलमान जितने भी है। यार ये वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही, एक सेकंड। अच्छा कुछ मेरे, अच्छा मैंने कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए वीपीएन में कुछ टाइम चेंज करा था, वापस रीसेट करा है, अब खुल गई है। ये अहमदियों की वेबसाइट है askmurabbi.com।
तो इट इज इट रॉन्ग फॉर एन अहमदी टू डिसबिलीव इन होम्योपैथिक मेडिसिन। अब इन्होंने पूरा इतना लंबा आर्टिकल दिया है, ठीक है, कि सारे इतने इतने हमारे खलीफा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तफसीर अल कबीर में होम्योपैथी की अहमियत बताई गई है, हमारे सबसे बड़ी तफसीर में सुनन तिर्मिजी में भी नबी ने कहा है, ठीक है, कि गोबर के कंडों और हड्डियों से इस्तंजना करो, ये जिनों की गिजाएं, तो अजवा खजूर कलौंजी से इलाज करना, तो इस तरह की चीजें तो ये भी होम्योपैथी की तरह ही होती हैं, ठीक है, नबी ने जैसे बताई, तो ये पूरी इस तरह की बातें कि जुमे का खुतबा जो है इसमें हमारे ये खलीफा ने, जलसा सालाना में हुजूर ने अभी ये कहा करंट होम्योपैथी पर, हुजूर ने होम्योपैथी पे किताब लिखी, जो मिर्जा नासिर अहमद थे खुतबात नसीर में वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें होम्योपैथी सिखाई है, ठीक है, खुद यानी अल्लाह ने हमें होम्योपैथी से इलाज सिखाया, होम्योपैथी से अल्लाह ने सिखाया, तो आप अल्लाह में नहीं मान रहे हो अगर होम्योपैथी में नहीं मानते हो। खलीफतुल मसीह जो तीसरे खलीफा थे मिर्जा नासिर अहमद, उन्होंने भी यही बातें करी, ठीक है, कि अल्लाह के नबी जो है मतलब ये होम्योपैथी जो उनका तरीका है, ठीक है, हमारे खलीफाओं का तरीका है, ठीक है, हमारे जो है, और इतनी सारी चीजें कि अगर हम बताएं इनका, तो कादियानियों ने होम्योपैथी को ईमान का हिस्सा बोला है, कहा कि जो होम्योपैथी में नहीं मान रहा वो अल्लाह और उसके रसूल सारे खलीफा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सबको झुटला रहा है, तो वो ईमान के सर, बुनियाद बुनियाद पर नहीं है। सर 100 बातों की एक बात, ये जो अहमदी हमारे हजरात है पान में ज्यादा हिंदुस्तान के मुकाबले, लेकिन इनकी एक बात है कि ये सबसे, मैं कहूंगा इस्लाम का ना सबसे टॉलरेंट सेक्ट है इस्लाम का, क्योंकि आपको जैसे पता है हजरत मिर्जा गुलाम कादियानी को कितनी गालियां पड़ती है, अभी हम उसकी अंडरवेयर उतार रहे, और कभी वो ये दूसरे मुसलमान जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है, ये मुस्लिम्स जो है मेन स्ट्रीम, ये बहुत ज़्यादा उसको करते हैं, और अहमदियों में बहुत ज़्यादा पेशेंस है उसको बर्दाश्त करने के लिए, जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स में नहीं है जब उनको मोहम्मद का कहा जाता है, तो ये अहमदियों की एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, मगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है उसने खुद कहा है कि रूहानी खजाइन में कि मैं तकैयतन जो है अमन की बात करता हूँ, क्योंकि हम मुसलमान इतने ताकत में नहीं है, अभी अमेरिका रशिया जो है रूस जो है ये ताकत भर मुल्क हैं, और इसलिए मजबूरन मैं इस्लाम की ऐसी शक्ल पेश कर रहा हूँ जो अमन की बात करती हो, और मगर जैसे जैसे तुम मुसलमानों की तादाद बढ़े निजाम पे कब्जा करो, और एक वक्त आएगा कि मैंने तो जिहाद को रोक दिया है वक्त दिया, मगर अल्लाह एक जलाली मसीह भेजेगा, एक और नबी भेजेगा मेरे बाद, जिसे जलाली मसीह कहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, वो फिर से खिताल को और जिहाद का हुक्म वापस लागू कर देगा। और मैं आपको इनके जो यूके के जो वो हैं लंदन के जो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हैं, यूके मिशन के इंचार्ज, उनका सुनाता हूँ, ऐसा लगेगा आपको उसामा बिन लादन का बयान सुन रहे हो, इतने कट्टर बातें कर रहा है वो, ये प्ले करके दिखाता हूँ। We strongly believe that politics is part of religion. We want to introduce the religion which was introduced by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. We don't pick and choose. We are not limited to some issues. We take Islam completely and we want to live Islam completely and convey that message of Islam completely, the whole Islam. We have to stand shoulder to shoulder with all Muslims. So we need to organize Muslims on European level. Just being Muslim is not enough until we organize all Muslims. इनको तो मुस्लिम मुस्लिम ही नहीं मानते, सही बात है, जो काफिर मेन नहीं। वाले मिर्जा मुस्लिम गुलाम हैं। अहमद कादियानी ने बोला है ब्राहीन अहमदिया में कि उसने, अगर आप खुद देखें, जब इस्लाम का दिफा करा है तो उसने कहा कि मैं जो हूँ एक उम्मती नबी हूँ, और अगर कोई मोहम्मद के बाद शरी नबी होने का दावा करे उसे कत्ल कर दो। एक तरफ तो अमन की बात करते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने साफ बोला कि अगर कोई शरी नबी होने का दावा करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए, यानी कि मतलब मोहम्मद की शरीयत को ही फॉलो करने वाला नबी आ सकता है मोहम्मद के बाद, कुरान को ही फॉलो करेगा, हदीसों को ही फॉलो करेगा, जो भी नबी अगला प्रॉफिट आएगा,
अगर कोई नई शरीयत ये कह दे कुरान मनसूख हो गया, हदीसें मनसूख हो गई, उसे खत्ल कर दिया जाए। अगर कोई अपने आप सर बहाउल्लाह ऐसा था ना, उसने किया था कि शरई नबी था वो एक तरीके से, बहाउल्लाह ने करा है। और बहाउल्लाह की स्टोरी इस तरह थी कि ईरान उसने पहले किया था मिर्जा कादियानी से, उसने बहुत पहले करा था। बहाउल्लाह ने तो किताबें तक लिखी है, 300 से ऊपर किताबें लिखी है बहाउल्लाह ने। बहाउल्लाह की अगर हम बात करें तो बहाई दिल्ली के अंदर लोटस टेंपल उनका जो है, बचपन से लोटस टेंपल की फोटो हर बच्चे ने देखी होगी, बहाई रिलीजन का टेंपल है। मैं गया वहां, मैं भी होके आया हूँ अंदर वहां। मेरे बहाई कम्युनिटी के बहुत दोस्त हैं और मेरे पास बहाई कम्युनिटी की किताबें अकदस मैंने पढ़ी है, बहाउल्लाह की लिखी हुई, बहाउल्लाह की मेरे पास काफी सारी किताबें रखी है। तो ईरान के अंदर एक आदमी था बाब, उसने अपने आप को इमाम महदी क्लेम कर दिया था। और बाब को ये हुआ कि उस टाइम जो शाह जो था वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने उसको मरवा डाला, उसने उसको गुस्से में कि अपना इमाम महदी होने का दावा छोड़े। और बाब बड़ा हरामी था, उसने कई बार बगावत करने की कोशिश की, उसने कई बार पुलिस वालों पे हमला करा, मिलिट्री तक पे हमला करा। ये बात नहीं है कि ये ना मुस्लिम मेरे खुद दोस्त थे, तो मैं उनको बताता था ना कि मैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ जिसने अब इस्लाम को छोड़ दिया और अब मैं नया नबी हूँ और अब मोहम्मद मेरी जूती के नीचे। तो वो मुझे कहते कि तुम्हारे लिए हमने 1400 साल इंतजार किया और तुमने इस्लाम छोड़ दिया, अब तो इस्लाम बस फुस हो गया। तो ये उन्होंने कहा। सर आप कंटिन्यू करें अपना। बाब और बहाउल्लाह की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, किसी को नहीं पता बहाई क्या है। तो बाब ने अपने आप को इमाम महदी क्लेम करा और उसने जबरदस्ती लोगों को अपने पीछे चलाने की कोशिश की, उसने कई उसके मानने वालों ने पुलिस पे हमला करा, मिलिट्री वाले मिलिट्री के कई लोगों पे जानलेवा हमले करे। कौन से टाइम की बात है, कौन से दौर था, कौन सी सेंचुरी और डेकेड? बाब जो है आप अगर सर्च करें, रुके मैं आपको बाब की डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ मैं आपको। ओके एक सेकंड, मैं खुद एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ताकि मेरे जहन से ना होते। बाब जो है वो पैदा हुआ था 20 अक्टूबर 18। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि पब्लिक भी रेफर कर पाए कि बाप जो है वो 20 अक्टूबर 1819 में पैदा हुआ है और 19 जुलाई 1850 जो है उसको तब उसे मारा गया है। और बाप जो था उसने एक बाबी फेथ बनाया था, बाबी मजहब। ये बहाइयों में एक फिरका है, इसी मजहब का एक फिरका बहाई थे जो बाद में एक अलग मजहब ही बन गए, बहाई फेथ ही बन गए। तो बाप जो था वो कि बाप का मतलब होता है दरवाजा, तो असली नाम तो इसका अली मोहम्मद था। तो अली मोहम्मद जो था अपने आप को बाब बोलता था यानी दरवाजा, वो कहता था मैं इमाम महदी हूँ और मोहम्मद तक अगर किसी को पहुंचना है तो मुझे फॉलो करना होगा। और ये हालत इसको ईरान की जो गवर्नमेंट थी वो इतना गुस्सा हो गई कि इसने जब कई बार कई टेरर एक्टिविटी करी तो उसने। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो बहाउल्लाह था ये इसमें जो बहाए फेथ के लोग है फॉलोअर्स है तो वो बहाए को बहाउल्लाह को मोहम्मद से सुपीरियर मानते हैं? सुपीरियर सुपीरियर अच्छा अच्छा वो यानी आला मानते तो बड़े खतरे में। तो ये हुआ भी अब जब बाप को गोलियों से भून दिया गुस्से में उस टाइम पे जो ये हालत थी कि वहां पे जब शाह ने हुक्म दिया कि इसको मार दिया जाए ठीक है तो इसको इसको और इसके मानने वालों को सर बट मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये बहाए और बहाउल्लाह और ये जो बाप की आप बात करें ये क्या पॉसिबिलिटी है अंदर से ये? अंदर से क्या पॉसिबिलिटी, क्या ये लोग एथियस्ट हो सकते हैं अंदर से? लगता तो है क्योंकि बहुत सारी चीजें जब मैं बहाउल्लाह की पढ़ता हूँ तो
बहाउल्लाह के जब बाप को मार दिया गया था, बाप एक कट्टर मुस्लिम आलिम था और एक शिया आलिम था, बल्कि अगर देखा जाए जब उसके उसने अपने आप को इमाम महदी कह दिया, उसे गोलियों से भून के मरवा दिया गया पब्लिकली, तो बहाउल्लाह जो था उसे इतना बुरा लगा कि सदमे में चला गया और बाद में उसने अपने आप को नबी क्लेम कर दिया। और जो इसी बाप का स्टूडेंट था बहाउल्लाह, इसी बाप अली मोहम्मद का स्टूडेंट था, जब उसने अपने आप को नबी क्लेम करा उसे भी अपनी जान बचा के भागना पड़ा। ठीक है, पहले तो वो सीरिया आ गया, ठीक है, जब उसके भी कत्ल का फतवा इशू कर दिया, फिर उसे जान बचा के इराक भागना पड़ा, वहां के मुसलमानों ने भी जान से मारने की कोशिश की, हमले करे, तो वो इसराइल आ गया, और जब वो इसराइल गया कोई मुस्लिम कंट्री उसे अपने पास ले नहीं रही थी, इसराइल में हाइफा शहर में रहा जो बहाउल्लाह जो था, और उसको उसके सारे गार्डन है, उसकी डेड बॉडी यानी दफन है, वो उधर ही दफन है हाइफा में मेरे ख्याल में। हाँ, हाइफा में उसकी कब्र है। अगर बहाई फेथ की मैं बात करूं, जैसे अगर मैं क्लिक करूं तो बहाउल्लाह, ये बहाउल्लाह था, तो बहाउल्लाह जो था बाप का ही फॉलोअर था, तो इसकी हाइफा के अंदर इसकी कब्र है, इधर लिखा भी होगा रेस्टिंग प्लेस, ये कोऑर्डिनेट दे दिए इन्होंने हाइफा लिखने की जगह, तो वहीं उसकी कब्र है। और बहुत बड़ी मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गई कहीं, और उन्होंने मिलके इसकी कब्र पूरी डिजाइन करी। सर ये बकवास की बात है, कितने जाहिल लोग हैं, मरे हुए बंदे को क्या पता चलना है उसके ऊपर एक मजार बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ, उसको बेशक उसकी जो बॉडी है वो स्टूडेंट्स को डोनेट कर दे, जला दे, फेंक दे या पड़े रहने दे, पता नहीं चलता। और ये इतने बड़े बड़े बना देते पैसे जाए, बेहतर चीज और तो आवाज कट कट के आ रही है क्या आपकी, थोड़ी सी कट कट के आई थी। हाँ जी, ये सब के ना आवाज ना बहुत कट कट के आ रही है जी। सर अभी बेहतर है? अब बहुत बेहतर है जी। सर तो ये देखे ना कितना पैसा ही जाया कर रहे उस चीज पे, कि मरे हुए शख्स को क्या पता चलना है कि उसके ऊपर अमीर है वो अफोर्ड कर सकती है। इंडिया की देखा जाए तो बहाई जो है सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटीज में से एक आती है, बहुत छोटी माइनॉरिटीज में। पारसी सबसे अमीर पैसे वाले इंडिया में, फिर बहाई लोगों के पास आपको बहुत पैसा मिलेगा। और इसका रीजन बहाउल्लाह की टीचिंग्स भी है, बहाउल्लाह की टीचिंग्स काफी एथिज्म के करीब है, कुछ कुछ चीजें मुसलमानों से सिमिलर इनकी। अगर ये मिलेंगे तो ये अल्लाह आभा बोलेंगे, ठीक है, जो अल्लाह अकबर से सिमिलर लगेगा सुनने में। और सर आपको पता है ना जैसे मुस्लिम पांच वक्त टकरे मारते रहते तो ये बस सीधा सीधा बोल देते कुछ देर के लिए, तो इन प्रेयर हो जाती है कंप्लीट। ये दुआ करते हैं, बड़ी छोटी सी दुआ होती है बहाइयों की, के मैं अपने परवरदिगार का शुक्र करता हूँ, किसी भी जबान में बोल सकते हैं ये, बस उसका जो है दिन में बस दो या तीन बार वो प्रेयर दोहरा लेंगे, हो गया, कि शुक्र करता हूँ अपने परवरदिगार का, ठीक है, कि उस अपनी पूरी जान से अपनी पूरी ताकत से कि उसने और जो सर, है ये क्वेश्चन था कि फर्ज करें ना इस्लाम में ऐसा होता है ना, हम जो मौलवी उसे बताया जाता है, जैसे हम लोग हैं हमें भी कहा जाता है, और मौलवी ऐसे हमें बताते हैं आप जहन्नुम में जाएंगे जैसे खुद देख के आए हुए, ऐसे ड्रामे इनके है। तो अगर कोई शख्स बहाए को नबी नहीं मानता तो वो जहन्नुम में जाएगा, इनके हिसाब से, इनकी जो किताब है उसके हिसाब से वो जलेगा जहन्नुम में आग में। भाई काफिर थे, ऑटोमन एम्पायर ने कहा था कि अगर ये हमारी टेरिटरी में आ गया हम इसे उमर कैद की सजा दे देंगे, बहाउल्लाह को हम इसे मार देंगे, अगर ये हमारी किसी टेरिटरी में जो हमारे इलाके में अगर ये कहीं दिख गया हम इसे या तो सारी जिंदगी जेल में रख देंगे या हम इसे वो कर देंगे, कत्ल कर देंगे। और सर मेरा आपसे सवाल था कि ये बात पता नहीं सही है गलत, लेकिन एक चेंज आया है ना मुस्लिम लोगों में, और बहुत सारे छोड़ेंगे भी फ्यूचर में, इस्लाम बड़ा इवॉल्व हो रहा है, इस्लाम नहीं मुस्लिम इवॉल्व हो रहे, काफी बदल रहे हैं। तो हिंदुस्तान में मैंने सुना है 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम है, मुर्तद लोग है, तो ये बात सही है? जी सर, ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी, और सर वो अपनी मैं स्टोरी बता रहा था कि ये देखिए ना, ये मेरे सवाल यही थे कि ये जो अल्लाह है ये इंसान को वो
जहनुम में डाल देता है। और देखे ना हमारे जो माँ बाप है, मेरे खुद भी बच्चे और जो माँ बाप पैदा किए हैं जिन्होंने, वो खुद ही अपने बच्चों को आपस में लड़ाएंगे। कितने बचकाने माँ बाप है कि मुसलमानों को अल्लाह बोलता है काफरों से लड़ो, और अल्लाह कहता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ मोमिनीन, लेकिन उसकी आदत है रब्बुल मोमिनीन वाली है, वो तो मोमिनों को ही कहता है काफरों से लड़ो, अपने मुनाफिकीन से लड़ो, और फिर दूसरी तरफ वो कहता है मैं प्यार करता हूँ। अगर माँ बाप सब बच्चों से प्यार करते हैं, वो आपस में उनको क्यों कहेंगे आपस में लड़ो। सर ये ना असल मायने में ना मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोहम्मद था ना यही अल्लाह था, क्योंकि ना ये जो जलद सर बात सुने कि अल्लाह नहीं दल्ला था। हाँ ये आप कह सकते हैं, पता क्यों ये दल्ला से भी था, ये दल्ले से भी गया गुजरा था, ये इस दल्ले के साथ साथ कातिल भी था, ये दलाली भी खाता था औरतों की, ये कत्ल भी करता था, ये लूटमारी भी करता था। मैं कहता हूँ काफिले लूटना, औरतों को रस्सी के बदले बेचना, अबे इनकी तुम्हारी किताबों में लिखा है, हराम खोरो पढ़ लो एक बार, अगर तुम्हारे को लगता है कि रब तुम्हारा ऐसा करने को कहता तो लाना था ऐसे रब पे। जी सर इतना घटिया खुदा हो सकता है, मैं तो खुद ये सोचता था। सर देखे ना फर्ज करें मेरा जो मेरी एक बेटी है, तो काफी तीन बच्चे एक बेटी है, वो मुझे कहे कि मैं उसको कहूँ मेरे ना तुमने 5 बार दिन में ना मेरे पैरों पे हाथ लगाना है, तो वो कहेगी मुझे नहीं लगाना। बेटी है, मैं कहूँगा कोई मसला नहीं, इसकी मर्जी है, ये हाथ लगाए ना लगाए, ये तो इसकी मर्जी है ना। अल्लाह कहता है 5 वक्त नमाज पढ़ो, इतना अना पर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते फिर उनको जहन्नुम की धमकियां देता है। सर बहुत पहले की बात है, मैं आपकी बात की मौका दे रहा हूँ महदी उल इस्लाम जी, मैं मौका दे रहा हूँ, बस एक चीज ताकि हम भूले नहीं, बस मैं आपको एक मिनट भी आधा मिनट भी नहीं लूंगा, फिर मैं आप ही को बात करने का मौका दे रहा हूँ। अल्लाह सही नहीं लिखा, किसी भी हदीस में नहीं लिखा, किसी ज़ईफ हदीस में भी नहीं कि अल्लाह 70 माँ जितनी मोहब्बत करता है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहीं नहीं लिखा। एक सेकंड मुझे बोलने दे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बस मुझे आधा मिनट दे दे, एक मिनट फिर मैं आपको पूरी बात रख रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैं फिर नहीं बोल रहा। कि आप सर्च करें कि शेख आसिम अल हकीम जो बहुत बड़े मुफ्ती हैं सऊदी के, इतना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा जाहिल है साला, हम ये कहता है कि जी सर ये है बट कुरान और हदीस की वजह से जाहिल है। तो ये कह रहा है कि इससे किसी ने सवाल करा कि क्या 70 माओ जितनी अल्लाह मोहब्बत करता है, तो इसने कहा कि नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा, अल्लाह मोहब्बत तो करता है अपने बंदों से मगर 70 माओ जितनी करता है ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये सऊदी गवर्नमेंट का एक फतवा है, फतवा नंबर है 20468 के 2007 में इन्होंने दिया था कि 17 अगस्त 2007 तकरीबन इसको देखा जाए तो 1,65,000 लोगों ने देखा है कि किसी ने पूछा कि अल्लाह 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है बात सच है, तो उन्होंने लंबा चौड़ा जवाब दिया कि अल्लाह गफूर रहीम है, ये है और अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करता है, पानी बरसाता है, रिस्क देता है, ये देता है, वो देता है, सीधे सीधे जवाब दे देते कि कहता है कि ये कहना कि अल्लाह 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है ठीक है, इसके बारे में तो अल्लाह ही जानता है, हमारे लिए तो ये बस काफी है कि अल्लाह जो है उसकी रहमत हर चीज घेरे हुए है, ठीक है, और अल्लाह हम पर अपनी रहमत करे, ठीक है, रहम करे, ठीक है, और हम पर जो है वो अपनी शो हम पे मर्सी दिखाए, ठीक है, रहम दिखाए। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अल्लाह 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है, किसी ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है, ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। 70 माओ जितनी मोहब्बत करता अपने बंदों को कभी जहन्नम में हमेशा के लिए नहीं जलाता, कोई एक माँ जितनी मोहब्बत करता। बड़ी हैरत हुई है कि मुझे बड़ी हैरत हुई है कि आपने मुझे आज बताया है बात, मुझे इतना मतलब इतनी जिंदगी गुजारी इस बात का पता ही नहीं था। एक मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ, आप पूरी दुनिया का ज्ञान आज हासिल कर लोगे एक मिनट में। एक बच्चे की माँ होती है, वो उसकी गुरु भी होती है, टीचर भी होती है, सब कुछ होती है उसका, सब कुछ होती है उसका, पालन पोषण भी करती है। वो बच्चा बड़ा होकर बहुत काबिल बनता है। सोचो अब एक बच्चे की 70 माँ है, वो बच्चा कितना काबिल होना चाहिए। अगर अल्लाह 70 माँ जितनी मोहब्बत करता तो ये आज कम्युनिटी जो है ये कितनी काबिल होनी चाहिए थी। यार सर आपने इनकी ना अल्लाह के अंडर उतार दी है।
तो ये कि अल्लाह सत्तर माओं की मोहब्बत करता है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने करी है ये बात सबसे पहले, इसीलिए कहता हूँ सबसे झूठा फिरका इस्लाम का अहमद है। इस्लाम को बदल दिया है ना इसने आदमी ने। मैंने आपको यही तो कहा है कि एक मिनट में आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। यस सर, अहमदियों का झूठ देखे, बूढ़ी औरत पे मोहम्मद कचरा डालती थी ये झूठ अहमदियों ने घड़ा, अल्लाह सत्तर माओ जितनी मोहब्बत करता ये झूठ अहमदियों ने घड़ा, सबसे बड़ा जिहाद नफ्स जिहाद है ये अहमदियों ने घड़ा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। आप अपने मुल्क से मोहब्बत करो ये भी ईमान का हिस्सा, ये भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बयान करा। मोहम्मद ने सारी जंगे डिफेंड में लड़ी, अपने 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 डिफेंस में लड़ी, ये झूठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठ बयान करा। हम इतनी सारी झूठे हमने सुनी है, इसीलिए मुझे अहमदियों से इतनी नफरत है। इन जाहिलों ने बातें तो सबसे ज्यादा अमन की करते हैं, पीसफुल बनते हैं, इन्हीं इन्हीं हरामजादों ने पाकिस्तान बनाया, इन्हीं की वजह से करोड़ों हिंदू कटे, इन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना, इन्हीं की वजह से फिर तालिबान बना, सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो थी ISI की मदद से पाकिस्तान में खड़ी करी, पाकिस्तान की मदद से खड़ी करी गई अफगानिस्तान में USSR को हराने के लिए। ये अहमदिया नहीं होते जो दुनिया में आज एक भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। सर ये अच्छा, ये आपका मुझे समझ आई है, अच्छा ये बात है, लेकिन इस ये पाकिस्तान में सर मैं मेरा खुद काफी पाकिस्तानी दोस्त है और मेरा सर एक दोस्त था तो वो अब्दुल सलाम को तो आप जानते होंगे, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो साइंसदान थे, तो वो पहला नोबेल प्राइज विनर है मुस्लिम्स में यासर अराफात के बाद साइंस के अंदर अकेला, तो सर पाकिस्तान वालों ने उनका नोबल पीस प्राइज नहीं लिया, मतलब उनको अपने मुल्क में नहीं रहने दिया क्योंकि बस वो अहमदिया मुसलमान थे उधर रखा। अरे उसकी कबर पे दी, उसकी कबर पे क्योंकि मुस्लिम लिखा था। सर मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब मतलब आपका कुछ महीने ही हुए थे स्टार्ट किए हुए, तो सर मैं ये बात मुझे समझ आई है आपको देखते देखते कि आप लोगों के इस्लाम से नहीं मुसलमानों से नहीं इस्लाम से दुश्मनी है आप लोगों की, तो ये एक अच्छी बात है कि इस्लाम को तो आप करें लेकिन मुसलमान, हम भी मुसलमान थे एक दौर था और जाहिल मुसलमान जाहिल ही थे एक तरीके से, बड़ा इवॉल्व कर रहा है सर, और बहुत से सवालात होते थे कि ये अल्लाह देखे ना सर, यही था, अभी आपने मेरे ये क्लियर कर दिया है, मुझे आज पता चला है आपकी वजह से सर, थैंक यू सो मच सर, के बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी ने ये मतलब बातें लिखी थी कि अल्लाह सत्तर माओं से ज़्यादा प्यार नहीं करता, ये झूठी बात है, अल्लाह नहीं करता, ये आपने आज थैंक यू सर क्लियर करने के लिए। तो मैं पहले जब मुझे नहीं पता था तो सर मैं सोचता था कि सत्तर माओं से प्यार करने वाला इतना जुल्म करता है, ये छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे अफ्रीका में भूख सर बिना पानी गंदा पानी पी पी के ये मर जाते, छोटे बच्चों का क्या कसूर है, अगर अल्लाह ने आजमाना है तो किसी बड़े उसको आजमाओ, किसी एडल्ट मैच्योर इंसान को आजमाओ। और ये बात थी सर, और दूसरी की अच्छा ये बात है, और सर मेरा एक मुसलमान दोस्त होता था, काफ़ी वो मतलब बिल्कुल ही ब्रेन वॉश था, और सर एक बार मुझे तो कब्रिस्तान वो एक बार ले गया, तो मैं उसके साथ कब्रिस्तान गया, तो उधर सर एक कब्र थी, तो कब्र सर कोई ताज़ी ताज़ी कब्र थी, 6 महीने हुए थे, सैलाब आया था तब, तो सैलाब की वजह से कब्र में ना कोई सुराख सा हो गया, तो सर एक कब्र बिच्छू छोटा सा एक जानवर होता है वो मतलब कीड़े मकोड़े भी अंदर थे, तो वो बंदा उस कीड़ों मकोड़ों को देख के रोने लग गया। मैंने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो वो कहता देखो इस मुर्दे पे अल्लाह का अजाब आया है, ये जरूर एक गुनाहगार शख्स था जिसने जिस पे अल्लाह पाक ने अजाब फेंका है। मैंने कहा हद का जाहिल है ये बंदा, उस मुर्दे को क्या पता चल रहा है कि वो मरा हुआ है या जिंदा है। बहुत बहुत आला सर, बहुत आला सर, उसको मैंने इतना मैं जलील किया, मैं कहा जाहिल आदमी तुमने पढ़ा हुआ नहीं है कि जब हमने भी एक दिन मरना है और जाना है दुनिया से, तो कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं होता, लोगों को जला देते, मैंने खुद अपनी विल लिखवाई हुई है कि मेरी क्रिमेशन कर दिएगा, तो सर जब जलाते हैं उनको उनका तो फिर ख़त्म हो जाता है, उन पे तो नहीं आता है फिर अजाब कब्र का, और उनको तो फील होता होगा कैसे कैसे जाहिल लोग है।
मैंने भी तो यही कहा है ना कि मैं जीते जी तो मुर्तद रहूंगा, और मरने के बाद भी अगर मेरी कब्र को, मेरी लाश को अगर दबा दिया ना, तो मैं, मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। साइंसदानों को दे देना, मैं जीते जी तो इस आत्मा पे यकीन रखते हैं आप? रूह पे यकीन करते नहीं, नहीं आत्मा मैं बोलता हूँ, कहावत चली आ रही है। अच्छा जी, ऑल राइट सर जी, अब जैसे हम कहें सूरज डूब गया, तो हम तो नहीं मानते सूरज डूब गया, वो जबान पे चढ़ा हुआ है कि सूरज डूब गया, मतलब अब सनसेट। जी सर बिल्कुल, आई कैन एग्री विद यू। एंड एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे सर, कंटिन्यू। मैंने यही, हां जी, मैंने यही बात करी, मैंने कहा मेरे जीते जी तो मैं इस्लाम पे थूक रहा हूं, मरने के बाद मेरी बॉडी को भी अगर आपने दबा दिया ना, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, मैं इस पे मरने के बाद भी थूकूंगा, ताकि मैं इसमें दफन भी नहीं होऊंगा। काफी देर से महदीउल इस्लाम को सुन रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं भाई, और अच्छा लगा इनको सुन के। और इमाम साहब आपने जो बोला बिल्कुल एकदम सही है कि बहुत सारी गंदगी, गंदगी बोले तो मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश अहमदियों ने करी, बुढ़िया कूड़ा डालती थी, ये कहीं है ही नहीं, और ये अहमदियों ने गढ़ा ये जो इसके, और मुसलमान जिनको मुसलमान नहीं मानते, और लेकिन इसको इसको सुनाते सब हैं, बरेलवी हजरत सब सुनाएंगे, और भी सुनाएंगे, और भी फिरके के रसूल अल्लाह इतने अच्छे थे, बुढ़िया कूड़ा डालती थी, और ये सब ये कहानियां फर्जी, और लेकिन उन्हीं अहमदियों को वो मुसलमान भी नहीं मानते। आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, मेरी भी मिस हो चुकी थी सर। ये देखे ना कि अहमदियों ने कितना इस्लाम को मतलब बदल दिया है ना, कितना ज्यादा इनको यानी कि चेंज किया है। और ये जो हदीसें हैं ना सर, जो आप बता रहे कूड़ा फेंकने वाली नबी में इतनी बर्दाश्त थी, ये मेरी नानी माँ मुझे सुनाया करती थी, मैं बच्चा था और मैं यकीन करता था इन पे, और मैं कहता हमारा नबी कितना अच्छा आदमी है, फिर मुझे नबी की असलियत पता चली। और दूसरी बात ये ना, जो मुसलमान है इमाम और ये बड़े बड़े आलिम, ये वाली हदीसें सुना के दूसरों को ना वो बना देते, क्या कहते हैं सर, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं ना उनको मुस्लिम बना देते। ये वाली अहमदियों की बदौलत, अहमदियों ने इनको ये तोहफा दिया कि लोग वैसे मुसलमान हुए, और उन्हीं अहमदियों को गालियां देते फिर मुनाफ़कत इनकी देखे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इंडिया में अहमदी डिजर्व करते थे, इन अहमदियों में दुनिया में किसी एक अहमदी को जीने का हक नहीं है, क्योंकि दुनिया इस्लाम छोड़ देती, मुसलमानों के पास आज अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं होता, मगर तुमने उन्हें दलीलें दी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सबसे पहली किताब लिखी, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ा मारा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, क्योंकि अंग्रेजों के एजेंट थे, अंग्रेज चाहते थे कि उस टाइम देवबंद जो था और जो वहाबी इस्लाम जो था, वो उनसे जब बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे, अंग्रेजों को लगा कि यार कहीं ऐसा नहीं कि मुस्लिम हमें इंडिया से भगा दे, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि अंग्रेज भाग जाएं, तो हमने सदियों इंडिया पे राज करा, हम मुस्लिम्स ने, हम वापस राज कर लें, इन अंग्रेजों को भगाए, इन्होंने हमसे हमारी पावर छीन ली, तो ये उनसे लड़ रहे थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने सोचा मुसलमानों में एक ऐसा फिरका खड़ा कर दो जो बड़ा अमन को, शांति वाला हो, और उसकी तरफ लोग चल दें। आज भी अहमदियों को देख लो, आज भी उन्हें अमेरिका कंट्रोल करता है, और किसी अहमदी को ये नहीं पता अमेरिका इन पे पूरे टैक्स माफ करके रखता है, ये अपने हॉस्पिटल खोले, स्कूल्स खोले, इन पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है ये बढ़े। ये जिस कंट्री से अमेरिका की जंग चल रही होती है ये उसकी बुराई करते हैं, जैसे अमेरिका की फ्रांस से अच्छी नहीं चल रही, तो इनका जो खलीफा मिर्जा मसूद अहमद, आप देखना कभी भी बाइडन की बुराई नहीं करेगा, या जब ट्रंप प्रेसिडेंट था उसकी बुराई नहीं करेगा, अमेरिका की एक बुराई नहीं करेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट पता है कि ज्यादातर जो अहमदीज है वो ज़ायनिस्ट है, इसराइल के सपोर्टर है, और इनका जो खलीफा है ना ड्रामेबाज आदमी, जो वो उसका नाम मिर्जा मसरूर, वो ऐसी दुआएं करता रहता है फलस्तीनियों के लिए, जबकि वो झूठा है, दो नंबर आदमी, खुद इसराइल का वो मतलब इन्हीं के साथ है, वेस्ट अमरीका के साथ है, और उसकी मुनाफ़कत ड्रामे उसके देखे। अब झूठे तो सर सारे हैं ना, महदी उल इस्लाम सारे झूठे हैं ना, ये कौन से सच्चे हैं? अच्छा इमाम साहब,
इस फेरिस्त में नाम सूफीज्म का भी शामिल है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा नुकसान सूफीज्म ने किया पैरा दिखाने की कोशिश में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। और कहते हैं सूफी, मैं कहता हूँ सूफियों से ज्यादा मारकाट आज तक किसने करी? कोई फिरका सूफियों की बराबरी में 0.1% भी मारकाट नहीं कर पाया। नादर शाह सूफी, अहमद शाह सूफी, सारे मुगल सूफी, अलाउद्दीन खिलजी सूफी, औरंगजेब सूफी, आप देवबंद जो है, जो इतनी दुनिया में आतंकवाद का गढ़ बना रहा, देवबंद सूफी सेक्ट है, बरेलवी सूफी है, तुर्की सूफी कंट्री है, पाकिस्तानी सूफी कंट्री है। जी सर, बस ये है सर, बरेल में भी ये जो, क्योंकि देवबंदी बरेल में भी ये जो पीरों की सिस्टम आती है वो भी सबसे अलग ही होती है। और अनवर भाई, आप पीरों की बात कर रहे थे तो मुझे ये बात याद आ गई है सर के जफर हेरिटेक हमारे एक भाई है हिंदुस्तान से ही, तो उनके पास एक 70 साल चाचा जी आए थे, तो वो एथियस्ट थे चाचा जी, तो वो चाचा जी कह रहे थे कि सर पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये काम होती, ये जो दरगाह नहीं होती सर, इसमें सूफी और इस किस्म के पीर लोग मानते, तो सर पीर परस्ती बहुत होती थी आज से 30-40 साल पहले, तो सर वो एक वो होता था, क्या नाम है, जो खवातीन होती थी ना, वो इन पीरों के साथ सर के अल्लाह हमारी दुआएं पूरी करेगा, फरियाद पूरी करेगा, वो समझती थी सवाब है ये काम करना। मैं बताता हूँ, उस समय लोगों का जाहिलों का दौर था, अब लोगों को समझ नहीं थी, उन्हें लगता था वो पीर फकीर ताबीज गंडा हकीम नसीब ये सब बहुत शिफा देते हैं, अब पता लग गया ये सारे खतरा ही जानते। अच्छा, अभी तो मैं कुछ चीजें दिखा दूं और सर, वरना वो छूट जाएगी स्ट्रीम, क्योंकि हम उसके एंड की तरफ पहुंचेंगे। एक सुपर चैट है, उसको मैं पहले ले लेता हूं, कि राजू जी जो है वो चैनल के मेंबर, राजू नहीं यार सॉरी, काजूर जी जो है वो चैनल के मेंबर बने, तो शुक्रिया। मैं आज के टॉपिक से खजूर भाई ने हदीस शेयर कर रहे थे, तो उसको मैं दिखा देता हूँ कि अनवर भाई जो हदीस शेयर कर रहे थे, रुके मैं खोलूं, एक सेकेंड, अनवर भाई की हदीस, रुके अनवर भाई की हदीस। अरे आप कीवर्ड्स में ये लिख ले, ब्रेस्टफीड स्लेव उमर ऐसा कुछ लिख लेना तो आ जाएगा। मैंने तो खोल के नहीं रखा था क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हदीस काम करता, मैं ही सेंड कर देता हूं। अरे वो मुझे हदीस तो पता है, मैंने मुझे लग रहा है मैंने खोल के रखा है या नहीं। मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ बुक, ये मुवर नहीं है, नहीं खोली तो मुझे खोलना पड़ेगा। नहीं खोल के रखी मतलब, तो अच्छा ये रही, तो ये जो हदीस है मुअत्तमा मालिक की 1288, हदीस इस तरह है कि अब्दुल्ला बिन दीनार जो है वो कहते हैं कि एक आदमी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया जब मैं उनके साथ कजियात में मौजूद था, ठीक है, तो उनसे पूछा कि जवान मर्द को दूध पिलाना कैसा है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, उस आदमी ने, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि मेरा बाप उमर इब्न खत्ताब जो है उसके पास एक आदमी आया था, उसने कहा कि मेरे पास एक लोंडी है, मैं उसके साथ खूब डिंगी डिंगी करता हूँ, ठीक है, मेरी बीवी ने एक दिन उसी लोंडी को अपना दूध पिला दिया, जब मैं अपनी लोंडी के पास डिंकी डिंकी करने गया तो मेरी बीवी, अरे सर एक सेकंड वॉइस मुझे वो आ रहा है मेहदी उल इस्लाम जी वापस अपना, तो जब वो कहता है कि वो अपनी बीवी के साथ डिंकी डिंकी करने गया तो मेरी बीवी ने कहा खबरदार कि मैंने इसे अपना दूध पिला दिया है, हजरत उमर ने कहा अपनी बीवी को जा और उसकी पिटाई कर, क्योंकि दूध का रिश्ता जो है वो बच्चे को पिलाने से ही होता है। अब ये एक हदीस है जिससे पता चलता है कि मुसलमान कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने से ही जो है रजाई रिश्ता बनता है, और ये जो जवान मर्दों को दूध पिलाने का जो बात है ये गलत है।
मगर हम कहेंगे कि यार नबी ने हुक्म दिया सालिम को, ठीक है, आयशा भी ये करती थी, वो कहेंगे नहीं सालिम के लिए था, मगर आयशा तो एक्सेप्शन नहीं मान रही ना। आयशा क्या कह रही है ये हम देखते हैं कि आयशा का बड़ा अजीब स्टैंस है कि जैनब जो बेटी है अबू सलामा की, वो रिवायत करती है कि मैंने उम्मे सलामा को ये कहते हुए सुना कि अल्लाह के नबी की बीवियां जो है वो कहती थी, ए आयशा अल्लाह की कसम हमें नहीं पता कि जो जवान बच्चा जो होता है, ठीक है, उसी से दूध का रिश्ता बनता है या फिर नबी ने जो बात कही थी वो सिर्फ सहला बिनते सुहेल के मसले पर कही थी, ठीक है। तो अल्लाह के नबी जो हैं, आई स्वेयर बाय अल्लाह डेट के जो नबी ने कही थी, ठीक है, कि वो सहला बिनते सुहेल के मसले पर ही कही थी कि अल्लाह की कसम कि मैं अबू हुज़ैफा के जो चेहरे पर नाराजगी के आसार देखती हूँ जब सालिम जो है वो घर में आता है, तो नबी ने उसे कहा था उसे अपना दूध पिला दो, तो उससे उसके चेहरे की जो है अबू हुज़ैफा के चेहरे पर नाराजगी के आसार मिट जाएंगे। शी सेड एंड बाय अल्लाह कि वो कहती है कि फिर मैंने अबू हुज़ैफा के चेहरे पर नाराजगी नहीं देखी। नबी की बाकी बीवियां कंफ्यूजन में है, ठीक है, नबी की बाकी बीवियां कंफ्यूजन में है कि जवान जवान आदमी को दूध पिलाना चाहिए या नहीं, वो उनको नहीं पता है सालिम के लिए है नहीं। मगर आयशा का आप स्टैंस देखें, उम्मे सलमा कहती है कि उम्मे सलमा कहती है आयशा से कि अ यंग बॉय हु इज एट थ्रेशहोल्ड ऑफ प्यूबर्टी कम्स टू यू, आई हाउएवर डू नॉट लाइक दैट, कि आयशा कहती है कि एक जवान लड़का जो बालिग हो चुका है वो तुमसे मिलने आता है, आयशा ये मैं पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, कि वो मेरे पास आए। तो आयशा कहती है क्या अल्लाह के नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नहीं है उम्मे सलमा, क्या अल्लाह के नबी ने अबू हुज़ैफा की बीवी से यह नहीं कहा था कि सालिम जो है जब वो मेरे पास आता है तो मेरे शोहर अबू हुज़ैफा के चेहरे पर नाराजगी के आसार झलकते हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि उसे अपना दूध पिला दो, इससे वो तुम्हारे लिए जो है दूध शरीक बेटा हो जाएगा। हेलो सर, आपसे मैंने वो कहना था कि ये आता है ना सर कुरान में कि 2.5 साल से नीचे के बच्चे को दूध पिलाओ तो वो ही महरम होता है, 2.5 साल से ऊपर के बच्चे को पिलाते रहो तो वो महरम नहीं होता। सर मैं ये बात कह रहा था कि वो बात चल रही है आप कि एक माँ अपने सगे बच्चे को कितना दूध पिला सकती है, इमाम साहब यहाँ पे एडल्ट को दूध पिलाने की बात हो रही है, यहाँ बच्चे की बात ही नहीं है, यहाँ पे एडल्ट जवान मर्द को दूध पिलाना। आयशा तो कितने गंदे लोग थे यार, इनको कोई शर्म ही नहीं थी, आयशा जिंदगी में मुसलमान नहीं तो जलेबी घुमा रहे हैं। हजरत उमर ने भी जो ये हुक्म दिया है कि अपनी लोंडी की पिटाई कर, ठीक है, मतलब अपनी बीवी की पिटाई कर और अपनी लोंडी के साथ तू सेक्स कर, क्योंकि दूध का रिश्ता वो छोटे बच्चे को ही दूध पिलाने से बनता है। मगर हजरत उमर ने क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हम अपनी लोंडियों के साथ सेक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बीवियां उन्हें दूध पिला देंगी, वो हमारी बेटियां बन जाएंगी और अपनी बेटी के साथ तो हम सेक्स कर नहीं सकते। तो हजरत उमर ने इस वजह से इस चीज को मानना बंद कर दिया कि कोई किसी जवान आदमी को दूध पिला सकता है। तो हजरत उमर ने लोंडियों के साथ सेक्स करने के लिए फतवा या ये नजरिया पेश करा, बट आयशा ऐसे नहीं मानती। आयशा उम्मे सलमा से कह रही है, उम्मे सलमा कहती है आयशा आप एक जवान लड़का मिलने आता है, मैं पसंद नहीं करती कि मुझसे कोई जवान लड़का मिलने आए, कि वही जवान लड़का मुझसे भी मिलने आए ये मैं पसंद नहीं करूंगी। तो आयशा कहती है क्या नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नहीं, नबी ने तो सहला बिनते सुहेल को ऐसा कहा था कि सालिम को दूध पिला दो ताकि तुम्हारा शोहर अबू हुज़ैफा को नाराज ना। एक बात कहना चाह रहा था कि ये जो नबी है इसने कितने गंदे काम किए, इसने बहू से शादी करने के लिए एडॉप्शन खत्म कर दी, इसने बच्ची से शादी की तब भी बेहतरीन नमूना है जिंदगी, कैसे यार ये लोग है। और अच्छा सुनो तो इमाम साहब एक आओ के बोल, मैं कह रहा था कि जो जैद बिन हारिसा सारी उम्र नबी के पास रहा, नबी को प्यार भी करता था, वो अपने माँ बाप के पास नहीं गया, नबी के पास, फिर नबी ने सब लोगों के सामने उसको अपना बेटा भी एक्सेप्ट किया और उसको जैद बिन मोहम्मद कसम खाई थी, जैद बिन मोहम्मद मोहम्मद बोला जाने लगा, यार उस जैद को क्यों नहीं पिलवाया था दूध, जिससे वो बेटा हो जाता कम से कम उसकी बीवी बच जाती।
और देखो सर मैं एक बात मैं कहूंगा सबको, एक सेकंड दे दीजिए जी मैं सर, एक बात कहूंगा सबको। हाँ जी, एक कुरान हदीस आती है, जो कसम खाता है वो झूठा होता है। अगर मोहम्मद ने क्या कहते हैं काबे पे हाथ रख के कसम खा ली तो वो झूठा तो हुआ। इमाम ये जो भाई आपने बात की है ये कुरान को झूठा साबित करती है। और मैं मोहम्मद जो बात बात पे कसम खाए वो झूठा है, ये मोहम्मद की हदीस है। और अपोस्टेट इमाम भाई कुरान की आयत है, कुरान की आयत है जी। अपोस्टेट इमाम भाई अभी मैं ये आखिरी बात करके चलता हूँ, आपके और भी गेस्ट वेट कर रहे होंगे। तो सर ये असल में ना बहुत पहले की बात है कि मैं 3-4-5 साल पहले मेरे ख्याल में मैं अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था ईद बनाने, मतलब ईद उससे मिलने, और ऐसे गया तो उसकी बेटी से मैंने ना यूं हाथ मिलाया, तो वो मेरी भी बेटी है जाहिर बात है, दोस्त की बेटी मेरी बेटी हुई। तो उसकी बेटी ने ना उसकी अपनी माँ के पास वो गई और उसने कहा ये मेहदी अंकल मैंने हाथ मिलाया तो मुझे हाथ काटना तो नहीं पड़ जाएगा, ये काफिर है तो मुझे हाथ काटना पड़ जाएगा अपना। फिर गले लग गला कटवा जी। थैंक यू सो मच सर मुझे लेने के लिए, और ख्याल रखे सर, और आप सारे जितने पैनल पे साथी बैठे हुए बहुत अच्छा आप लोग काम करें, कंटिन्यू करें, और मैं आता रहूंगा आपके चैनल पे और सुपर चैट भी भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर फॉर सुपर चैट की बात नहीं है, सर सुपर चैट की बात नहीं है, आपका आना ही काफी है हमारे लिए। थैंक यू सर मुझे लेने के लिए। अपोस्टेट भाई ख्याल रखे और खुश रहे, जहाँ रहे खुश रहे, और ये अपना काम जारी रखे। चलिए मैं चलता हूँ जी, बहुत अच्छा। विपाद जी जुड़े हमारे साथ बड़े दिनों बाद। नमस्ते मैम साहब, सुनाई दे रहा है हमें? जी सर नमस्ते, आवाज आ रही है जी सर, बताएं। तो एक्चुअल बात अहमदिया को लेकर चल रहा था इसलिए मैंने जुड़ गया, फिर टॉपिक खत्म हो गया था। सर अहमदिया तो ऐसे लोग हैं मैं क्या बताऊं, ये लोग कैंसर का इलाज करते हैं होम्योपैथी से। इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है अहमदिया इस्लाम, जब आप सर्च करेंगे और डॉक्यूमेंट्री लिखेंगे तो इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री आएगी, उसमें देखें ये लोग कैंसर से मतलब कैंसर बोल रहा हूँ होम्योपैथी से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, ये सुने इतनी जाहिल कौम है। होम्योपैथी के इसका इलाज तो मुमकिन नहीं, एक्चुअल सिर्फ होम्योपैथी ग्रुप को लाए जो इसका इलाज कर सकती है। रबुआ में ताहिर होम्योपैथिक अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी तर्ज का मुनफरिद इदारा है, जहां बशमूल कैंसर तमाम अमराज का इलाज मुफ्त किया जाता है। ऐसी की करांगे और सौड़ी आ गई है दिमाग च, किस तरह निकलेगी ये? मगर अल्लाह ने सबब लाया, अल्लाह ने सबब लाया, असं इस अस्पताल आए हैं रबू में तो सानू ये सुकून मिले, साड़ी यार सौड़ी खत्म हो गई है। होम्योपैथी लोग समझते हैं कि ये मीठी गोलियां हैं, इनमें शायद शफा नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाते हैं। बस आप भी इन मासूम चेहरों पर खुशियां बखेरने में हमारी मदद करें, क्योंकि यह कैंसर भी लाइलाज नहीं। यहां मॉडर्न अपने आप को कहते हैं सबसे साइंटिफिक, सबसे रैशनल, सबसे अमन परस्त मुसलमान, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं मिल देखा मैंने आज तक। सबसे बड़े जाहिली है, और इन्होंने आम कर दिया। अब मुसलमानों को कभी देखा होगा, मुसलमान जब भी अलग होते हैं अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज कहते हैं, ये कहां से आया? ये अहमदियों से आया, ये ना शियाओं में कहीं था ना सुन्नियों की किसी किताब में था कि कहीं भी मोहम्मद या उसके सहाबा ने या अहले बैत ने अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज बोला। अपने मुल्क से मोहब्बत करो ये भी ईमान का हिस्सा है। आज कहीं अहमदियों की वजह से सारे मुसलमानों में झूठ आम हो गया। मोहम्मद में बूढ़ी औरत कचरा फेंकती थी, ना शिया किताबों में लिखा ना सुन्नियों में, मगर दोनों में आम हो गया अहमदियों की वजह से ये झूठा किस्सा। तो इस तरह हजारों किस्से हैं जो अहमदियों ने झूठे आम कर दिए कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, कहीं नहीं लिखा इसकी कोई झाट बराबर भी ज़ईफ हदीस नहीं है, मगर साला अहमदियों ने आम कर दिया ये झूठ भी। तो क्या करें, कितने इनके झूठे जो आम है पब्लिक में।
मतलब झिट्टा मदियों ने आम के सब झूठ उतना किसी ने नहीं किया। हाँ एक और हदीस मिलता है इस्लाम को। जी सर। हाँ एक और हदीस मिलता है जहाँ बताया गया है कि अगर इल्म लेना है तो चाइना तक भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। ये भी एक झूठ हदीस है। ये भी ज़ईफ है ही नहीं बल्कि नहीं तो क्योंकि अगर उस टाइम तो चाइना पे जो इल्म था वो तो कफर वाला इल्म था, नबी बताएगा ही नहीं। आज भी काफिर वाला ही। और एक मशहूर एक हदीस है, एक और हदीस है, जैसे किसी एक बच्चे के मतलब ईद चल रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था, तो उसके पास पहनने के लिए कोई कुर्ता वगैरह नहीं था, तो हजरत आयशा ने उसे बुलाया फिर कुर्ता खरीद के दिया, ऐसा एक हदीस है ना। सही बुखारी 312 पढ़ लो, अकेली पैंटी थी। और इमाम साहब ये सब बात ही चल रही है, दूसरे को कुर्ता खरीद। ये हदीस तो भी इनके मिर्ज़ा साहब। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये देखें सऊदी का फतवा था, और बात बताऊंगा इमाम साहब। चीन तक ही जाना पड़े क्या ये झूठी हदीस से? तो उस पे किसी ने पूछा है कि मैं यूएसए में रहता हूँ और मैंने ठीक है ऐसा ऐसा जो है मतलब जो है ऐसी ऐसी बात जो है किसी नॉन महरम से हुई बहस में कि इल्म हासिल करने के इस्लाम में अहमियत है, चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। उसने कहा ऐसा कहीं नहीं तुम्हारे इस्लाम में तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करो भली चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। शेख नासिरुद्दीन अल्बानी ने अपनी ज़ईफ अल जामे जो किताब है उसमें कहा इट इज फैब्रिकेटेड, यानी हदीस कहीं है ही नहीं किसी भी किताब में, झूठ है। मतलब ये भी नहीं कि कोई ज़ईफ हदीस है ही नहीं। और उन्होंने कहा हाँ इल्म हासिल करने की अहमियत तो है मगर वो इस्लाम का इल्म है, कुछ हदीसों में जो इल्म की बात आई है। और इमाम साहब जी सर ये सारी हदीस भी खड़ी गई है क्या, जिसमें लिखा है कि मोहम्मद फाके पे फाके करता था उसके घर, फिर वो जो फिर फातिमा एक दिन उसके घर पे आई एक रोटी का टुकड़ा लेके, फिर बोला कि मैंने 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ 4 दिन बाद। देखें सर एक चीज मैं बताता हूँ आपको, वैसे तो हम चलें बस स्ट्रीम को आधा घंटे के अंदर बंदी कर देंगे, काफी मैं भी थक गया, मगर ये कि मोहम्मद पेट से पत्थर बांधता था, फाखे करता था, भूखा मरता था, अजीब चीज तो ये है कि उसी में इतना कॉन्ट्रोडिक्शन है कि इमाम हाकिम कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है क्योंकि उसी वक्त में एक टकराती हुई हदीस ये कि हज के मौके पर अल्लाह के नबी फाखे कर रहे थे और पेट से पत्थर बांधे थे अल्लाह के नबी ने भूख के मारे। इमाम हाकिम कहते हैं कि इस हदीस से टकरा रही है कि जब अल्लाह के नबी के आखिरी हज के वक्त की बात चल रही है मगर अल्लाह के नबी ने आखिरी हज के मौके पर 70 ऊंट भी ज़िबा करें, इसकी भी हदीस है बुखारी में, तो इमाम हाकिम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है कि अल्लाह के नबी एक शख्स उसी वक्त फाखे भी कर रहा हो और 70 ऊंट की भी कुर्बानी कर रहा हो, मतलब पॉसिबल नहीं है ये इंसान। या तो मैं कहता हूँ कि दोनों हदीस से अगर सही भी मान लें, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जैसे होता है ना कि कोई आदमी अपने बारे में झूठ मशहूर करे कि देखो मैं कितना महान हूं, जैसे मान लें कि आपने अनन्या पांडे को देखा है। हाँ, देखा है। अनन्य की लड़की ठीक है, हाँ, ये साला हर ठर की चीज देखता है। तो खैर अनन्या पांडे जो है वो एक इंटरव्यू में रो रही थी, कह रही थी कि मैंने इतनी मेहनत करी है कि ठीक है कभी कभी ऐसा हाँ, होता था मैंने स्ट्रगल किया है ठीक है कि कभी कभी लिफ्ट काम नहीं करती थी ठीक है, तो मैं 4 मंजिला लिफ्ट से जाती थी ठीक है सीढ़ियों से, और कभी कभी ऐसा होता था कि घर के अंदर खिड़की खुली छूट जाए तो मच्छर आ जाते थे, मुझे रात में एसी के अंदर भी मच्छर काटते थे, मतलब कि कभी घर में काम वाली बाई नहीं आती थी तो खुद जो है बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा के खाना पड़ता था। अब आप ये चीजें उससे को इंडिया के अंदर ओशो ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि इंडियंस की आदत है या दुनिया के लोगों की आदत है कि आप उस इंसान के पीछे चलना पसंद करते हो जिसने बहुत सारी कुर्बानियां दी हो। तो हर इंसान ने ये दिखाने की कोशिश करी है हिस्ट्री में कि मैंने बहुत कुर्बानियां दी हो, भली अय्याशी की जिंदगी क्यों ना जीता हो,
ग्यारह बीवियां क्या पल कहां से रही थी, उनको खिलाता कैसे था मोहम्मद इतनी सारी बीवियों को अपनी, तो सही है उनके साथ इसमें। सेक्स कर रहा है। 40 मर्दों की ताकत तो ऐसे आनी जाती कि आदमी को खिलाई पिलाई तो चाहिए होती है कि 40 मर्दों की ताकत हो जिस्म में, वरना एक मर्द की ताकत नहीं होती इंसान में इतने बुढ़ापे में। इतने कबीले तो लूट लेता था, करोड़ों की इतने डॉलर कबीले लूट रहा लूट है, इतना माल गनीमत है, नामुमकिन है कि ये बहुत बड़ा एक झूठ है। मोहम्मद ने अपने बारे में झूठ उड़वाया ताकि एक सिंपथी के लोगों को लगे कि देखो मैं इतना परेशान हाल हूँ। तो तो हर काम इंसान धंधा ऐसा कर लेता, करता है। कोई काम धंधा कर लेता अगर परेशान था तो। वो कहते हैं लोग और वो सबके हैं। परेशान आदमी हाँ 70 रूट जिबा कर रहा है। जैसे साई बाबा के बारे में मैंने बताया था कि साई बाबा के पास एक हाजी सिद्दीक फालके मिलने आया था, तो ये चांद मियाँ जो थे साई बाबा, इन्होंने क्या करा कि इनकी साई सच्चरित्र जो इनकी लाइफ पे सबसे ऑथेंटिक किताब है, जो एनवी गुना जी इन्हीं के एक शागिर्द थे उन्होंने लिखी थी, तो वो कहता है कि एक हाजी सिद्दीक फालके आया, उसने कहा मुझे साई बाबा आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलता तब तक जब तक मैं किसी से 25 रुपये अपने दर्शन के उससे नहीं ले लेता। तो उसने कहा ठीक है, मगर कहा नहीं तुमसे तो मैं तब भी नहीं मिलूंगा, तुम तो बड़े अमीर आदमी हो, तुमसे मैं नहीं मिल रहा। उसने कहा कि मैं आपको एक काम करो, 40,000 देने को तैयार हूँ आप मुझसे मिलने। वो तब भी नहीं मांगा, उसने साई बाबा को 40 लाख रुपए दिए उस टाइम में, और फिर साई बाबा जो है वो उससे मिले। यहाँ तक कि उसके लिए अपने एक शिष्य को बोला कि जाओ और किसी बकरे की कुर्बानी करके लाओ और इससे पूछो कि उसकी रान खाएगा या उसके टट्टे खाएगा, ये हाजी सिद्दीक फालके। और उस बकरे को काट कर उसका प्रसाद जो था, वो उसकी बिरयानी जो थी, वो सब उन्होंने अपने बाकी भक्तों को भी खिलाई जबरदस्ती, जो इसमें इवन कई हिंदू भी थे। अब आप देखोगे कि साई बाबा जो है, कहने को तो 40 लाख रुपए उसने लिए, मगर दिखाता कैसा था वो, अपने आप को बड़ा गरीब, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, खाने को नहीं है, ये नहीं है। तो ये हर इंसान करता है कि ताकि उसे पता है लोग मेरे पीछे चलेंगे ही नहीं अगर वो देखेंगे कि इतना अय्याश है या पैसे वाला है। यही मोहम्मद ने करा है। अरे और एक भी है जो बहुत फेमस है कि मोहम्मद अपने बहुत सारे सब पैसे दान कर देता था, मतलब जो सदका कर देता था बहुत सारा अपना माल। ये भी क्या अरे सही है नहीं क्या? यार, वो लोगों से कहीं कहता था कि 20% ला जो तुम लूटो तो मुझे ला के दो। नहीं इसमें ये भी हदीस है। हेलो हेलो, इसमें ये भी हदीस हाँ जी है हाँ जी कि जो नए नए लोगों को कन्वर्ट करता था तो उनको माले गनीमत में से जो भी माल तकसीम होता था उसमें से ज्यादा हिस्सा देता था, ऊंट फालतू देता था। तो सहाबियों ने सवाल भी उठाया कि या रसूल अल्लाह, रिश्वत या दिया रसूल अल्लाह आप, हाँ या आप इनको ज्यादा क्यों देते हैं? तो कहता कि नहीं इनको खुश रखो, ये नए नए आए हैं, तो मतलब एक लालच देता था। ये हदीस है, ये था। सब नहीं सही नहीं हदीसों में। वो गरीब कैसे वो होगा कहते हैं नहीं, जेडी, उसका जंग में से 5 में से 1 हिस्सा तो मोहम्मद अल्लाह और उसके रसूल का है यार। अरे वो मैं वही कह मुसलमानों रहा से हूँ, वो जकात चलो मैं कह रहा मांगता हूँ। है, वो माले गनीमत नहीं का नहीं 5 हिस्सा आप मोहम्मद का, वो गरीब होगा। नहीं नहीं मैं वही आपसे एक बात कहता हूँ, आपको अगर भूख लग रही है तो पेट का पत्थर बांधने से आपकी भूख कैसे शांत हो जाएगी? अच्छा, बीच में इनकी हरकतों की वजह से जरूर कुछ रहा होगा। अदरवाइज इमाम साहब, मोहम्मद की फैमिली देखें, अब्दुल मुत्तलिब 5 बार मक्के का सदर रहा, अबू तालिब काबा की हिफाजत अबू तालिब के पास थी, एक बड़ी रसूख वाली फैमिली थी मक्का की। ये मोहम्मद ने आके अरे सब सदर झूठे हैं भाई, उसकी बीवी इतने पैसे वाली थी, ये रसूल कोई गरीब गराबा नहीं था, लुटेरा था, चोर था, ठग था, डकैत था, लौंडिया रखता था बस। सब था भाई। किसी हदीस में इसका मिलता है कि बिजनेस मोहम्मद मॉडल भी गरीब कितना था? अच्छा था यार, बिजनेस मॉडल भी कितना अच्छा है। जंग में जो भी लूटो उसमें से अगर 5 रुपए लूटे तुमने तो 1 रुपया मेरा, यानी पांचवा हिस्सा जो अल्लाह और बिल्कुल उसके रसूल का, जैसे हम खुम्स कहते हैं। फिर जकात भी देना है मुसलमानों को अपनी सेविंग से, वो भी मोहम्मद के पास ही जाएगी क्योंकि ठीक है वो बैतुल माल में जाएगी, नबी से सरकारी जब भी खजाने में। मिलने इमाम आओ, नबी से साहब, जब मिलने आओ, इमाम खाली साहब, हाथ मत आओ, कुछ लेकर आओ। हाँ जेडी इमाम साहब, अगर ये फैमिली पूरा फैमिली गरीब होना चाहिए, लेकिन जब अबू तालिब के बाद में जब मक्का के लोग इसको जब ये गालियां बकने लगा, तो
तो मक्का के लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे, तो इसकी हिफाजत अबू जहल ने की, और अबू जहल का इतना रसूख था कि उसके वजह से कोई इस पे हाथ नहीं डालता था, क्योंकि उसने अबू तालिब को प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं हिफाजत रखूंगा। पूरी फैमिली रसूख वाली थी भाई। बिल्कुल 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 डॉक्टर मुर्ता साहब, बहुत सॉलिड पॉइंट है। जी बिकलाब जी, आप लास्ट कमेंट रख दें, फिर मैं एक वीडियो प्ले करके बंद कर रहा हूँ स्ट्रीम। एक्चुअल बात तो ये हो गया कि 11 बीबी, 4 कनीज, रखने वाला भी गरीब, ऐसा गरीब तो हर कोई होना चाहेगा। अगर मैं कहता हूँ, अगर तुम दूध पिलाने वाली हदीस को बकरी को ना खिलाते ना, मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ता। मैं अभी भी इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस वो दूध पिलाने वाली हदीस वापस ले आओ आयत। अच्छा, दूध पीने के इतने शौकीन हो तुम? मैंने भैंस के पता नहीं कितने कितने लीटर दूध। ऐसा है तो फिर एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? बैकस्टेज में बातें करेंगे क्या हम सब? बिल्कुल बिल्कुल, बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, बल्कि रखा गए दोस्तों को भी पिलाया करें। सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल मेरी तरह था मौलवी। बहुत हरामी है मौलवी हमेशा, और इससे लोग सवाल भी है, हमेशा सेक्स भी करते हैं जान के, ऐसा लगता है ऐसे मजे लेने के लिए। एक बार और वीडियो चला दो, एक बार और। चलो ठीक है, प्ले कर रहा हूँ, नींद आ रही है यार, चलो रुको। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, बल्कि रखा गए दोस्तों को भी पिलाया करें। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो यार, सारे व्यूअर्स जो हैं, कहूंगा कि हम भी बहुत थक गए हैं, रात के 1 बजने पर आ रहा है। तो यार कल देख, अच्छा मुझे एक चीज सब बता दे, कल स्ट्रीम करना है नहीं करना? पता चला कल यार रक्षाबंधन है, करनी है। मुझे नहीं पता। इमाम साहब, पता है क्या, रक्षाबंधन का फेस्टिवल लोग दिन में और सुबह मोस्टली मनाते हैं, और शाम को छुट्टी भी रहेगी, लोग फ्री भी रहेंगे, हो सकता है व्यूअर्स भी अच्छे खासे रहें, और हो सकता है कि स्ट्रीम भी कम रहें, तो 2 घंटे के लगभग स्ट्रीम एक रख लेते हैं, सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग फ्री रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चले ठीक है। तो कल की हमारी स्ट्रीम हो जाएगी इसी टॉपिक पे कि दूध पियो, जी भर के जियो, और तो हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया, बैक स्टेज 5-1 मिनट बात करके यार मैं भी सोने चलता हूँ, तो सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हम भारत माता की जय, भारत माता की जय।